हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू डे, वेलकम टू न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू मारिया ज़ाहिद व्लॉग्स। जी जनाब, तो भाई वादे वादे को पूरा करते हुए आज व्लॉग का दूसरा दिन है और अभी सुबह हो गई, बच्चे बच्चे स्कूल चले गए, मैं पी रही हूँ अभी कॉफ़ी शॉफी, इसके बाद देखते हैं क्या करना है। कॉफ़ी के अंदर जो है ना, मैंने आजकल ये ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ, वैसे बहुत थोड़ी मिकदार में यूज़ करती हूँ, तो बस अभी हम कॉफ़ी पीते हैं फिर लेट्स सी। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इस वक्त जिम जाने के लिए रेडी हूँ बिल्कुल ऑलमोस्ट, और बस अब जिम से आएंगे, उसके बाद चूँकि आज फ्राइडे तो बच्चों की छुट्टी भी जल्दी हो जाएगी, तो आज आके ज़रा खाना शाना ये, आज मेरे बच्चों ने फरमाइश की हुई चिकन का सालन और रोटी, तो वो अब्दुल्ला उसे कहते हैं ऑरेंज वाला सालन, तो आके उसकी भी हम तैयारी व्यारी करते हैं आज खाने वाने की। सो लेट्स सी, तो बस अब चलते हैं जिम। फ्रेंड्स, दिस इज़ माई न्यू बैग, ये देखिए, एंड इट इज़ सोर्स फ्रॉम पेज मॉफ ट्रेंड्स। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा मॉफ ट्रेंड्स के नाम से। मैंने भी रील अपडेट नहीं की हुई, मैं रील कर दूंगी, वैसे आप पूछ भी सकते हैं मॉफ ट्रेंड्स के नाम से। बहुत अच्छा और बेस्ट क्वालिटी इनका ये बैग है, और इन्होंने मुझे ये भी भेजा स्वास्तिक क्लच, तो बस अभी मैंने ये रील बनानी है। कल वो एक तो बन गई थी लंच बॉक्सेस वाली, मैंने यूट्यूब चैनल पर भी डाली थी, वो कैसी लगी वो भी बताइएगा। एक तो फ्रेंड्स, जिम निकलने से पहले मेरे इतने लवाजमात होते हैं कि मैं जो है ना वो पूरा 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 करते करते ही थक जाती हूँ। सो एनीवेज, ये मैंने ली चाबियाँ गाड़ी की, पानी की बोतल, और अब मैं जा रही हूँ। हाँ जी सॉरी दरवाज़ा, ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्राइट सनी डे, है ना। अगर मैं यूके में रहती तो ये मेरी सच्ची की इंटेंशंस होती, मगर अभी ये मेरी फेक एक्सप्रेशंस हैं। भाई बड़ी गर्मी है, चिलचिलाती धूप, जल्दी से बैठ जाओ गाड़ी में। एक तो ये गाड़ी साफ़ करने वाला भाई जो है ना, ये मेरे लिए छोड़ के जाता है। क्यों भाई, तुम क्यों बज रही हो, सब्र करो, मालकन आ गई है तुम्हारी। बस अब हम गर्मी में गर्म गाड़ी में बैठने लगे दोस्तों। पानी की बोतल मैं ये अपनी यहाँ फंसाती हूँ, ये मैंने सिंगापुर से ली थी यूनिवर्सल स्टूडियो से, ये वहाँ की याद है। और उसके बाद मैं अपना बैग यहाँ रखती हूँ जो कि मैंने आज फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, निकाला है। और उसके बाद ये मैं अपना फ़ोन यहाँ रखती हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर ये शेड लगाती हूँ, उसके बाद यहाँ से ये चाबी उठाई, कहाँ गया। सो फ्रेंड्स, कैसे लग रहे हैं मेरे ग्लासेस? आई बॉट दीज ग्लासेस फ्रॉम द मोस्ट एक्सपेंसिव मॉल फ्रॉम मलेशिया कुआलालंपुर, और वहाँ पे H&M था, मैंने वहाँ से लिए थे। एनीवेज, तो मैंने कहा ये मैं कहाँ लगा के जाऊँ, तो मैंने कहा जहाँ जा रहे हैं वहीं लगा लेते हैं, क्या ख्याल है दोस्तों, तो बस अब चलते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं ज़रा जल्दी निकलूँ जिम के लिए, मगर मैं निकल ही नहीं पाती हूँ, बस टाइम हो ही जाता है ये। खैर कोई बात नहीं, चलो पहला इम्पोर्टेंट क्या है, जाना, क्या आप जा रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट, सही है। और उसके बाद फिर ये कि कितनी देर के लिए जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यू नो। तो बस हम जा रहे, तो इतने जंप्स हैं यार, मैं तो थक जाती हूँ। ये दो अभी क्रॉस किए हैं, बल्कि तीन, ये चौथा आया, और अभी देखो ये आ गया पांचवा, मतलब के यके बाद दीगर, एक के बाद एक। तो कहता है कि कम टू कराची एंड एन्जॉय ऑफ रोडिंग इन फ्री में, अलियान तो यही कहता है। तमाम लोग जो देर से रात को सोते हैं या जल्दी नहीं उठते, भाई मैं कहती हूँ कि सुबह को भी एक्सपीरियंस करना शुरू करें कि सुबह कैसी होती है, क्योंकि मैं भी एक अरसे तक मैंने अपनी बहुत सारी सुबह मिस की हैं, और मतलब ये कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे दिन का पता ही नहीं चलता था कि दिन कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ, लेकिन अब मैं माशाल्लाह से दिन को मॉर्निंग को एक्सपीरियंस करती हूँ। एंड ऑफकोर्स लेट मी टेल यू, ये एक लाइफ चेंजिंग प्रोसेस भी होता है, बिकॉज जब आप या तो खुद स्टूडेंट हो या ऑफिस जॉब करते हो, या आपको कोई काम इस तरीके का हो ना कि जिसके अंदर आपको सुबह उठना पड़े तभी आप उठ पाते हो, लेकिन समटाइम्स मैं तो ऐसा होता हूँ 3-3, 4-4 बजे उठ रही हूँ, दिन की रोशनी ही नहीं मिल रही है, इस तरह का भी टाइम था। तो अल्लाह का शुक्र है चीज़ें चेंज हो जाती हैं वक्त के साथ साथ, अगर आप करना चाहो तो। तो बस अब रास्ते में हूँ, मैं गाड़ी चला रही हूँ, बस अब जिम में मिलते हैं जाके। ओके फ्रेंड्स तो आ गई हूँ मैं जिम, बस मैं अंदर जा रही हूँ, फिर वर्कआउट करते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे सुबह सुबह आके ना, ग्रीनरी में, इट मेक्स मी फील गुड एंड फ्रेश। ओके फ्रेंड्स, तो मैं हो गई हूँ इस वक्त फ्री,
अपने जिम से और अब मैं जाने लगी हूँ फेयर से घर। बस अब घर जाएंगे, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे, देखेंगे जी क्या करना है क्या नहीं करना। कम से कम जब आप उठते हो ना, जब आप कुछ अच्छा करते हो तो एटलीस्ट आपको ज़रा ये होता है कि हाँ यार, हमने कुछ तो पॉजिटिव डे का स्टार्ट लिया, कोशिश तो की यार। अल्लाह माफ़ करे, आज तो गाड़ी छाँव में खड़ी थी, फिर भी ऐसी गर्मी है ना, कसम से क्या बताऊँ आप लोगों को मैं। रियली यार, कराची का जो वेदर है ना, बस पूरा साल गर्म ही रहता है। वैसे मैं सोचूं कि इस तरह कोई स्टैंड होना चाहिए जहाँ पे इसको इस तरह रख के ना टिका के बंदा एटलीस्ट, सॉरी आए हाय हाय है सारा शॉट खराब, बंदा एटलीस्ट कोई शॉर्ट वर्ड तो बना सके। क्या कहते हो तुम लोग, होना चाहिए ना ऐसा। देखते हैं डॉक्टर फैसल को बताते हैं, मेरे इस मसले का हल वही करेंगे। अभी यार बस जिम से आके दिल चाहता है आराम करो और खाओ, और इसमें से इस वक्त मैं दोनों काम नहीं कर सकती क्योंकि सो में सकती नहीं हूँ और खाने वाने का भी कुछ बनाने का मूड नहीं है मेरा, तो अभी वेट कर रही हूँ, कुछ करते हैं, लेट्स सी। एक्चुअली जो मेरी मेड है ना, वो आती है 1 बजे, ये है तो खैर बहरहाल अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई अपनी मेड की मोहताज नहीं हूँ कि वही आएगी तो मेरे मुंह में रोटी पानी जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल, यू नो। फैसल हंस क्यों रहे हो, क्यों हंस रहे हो, बोल तो दो, लोगों को लगे मैं किसी इंसान से बात कर रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे आप? ठीक। आज आपके स्कूल में क्या था? आज स्कूल में पढ़ा नहीं, लंच करा, खेला, मिलाद था। अल्लाह किया ना आज स्कूल में, नात पढ़ी ना? Yes. हैं? Yes. कैसा रहा, मजा आया मेरे बेटे को? Yes. खड़े तो अपनी लुक तो दिखाओ, तो लुक खराब हो गई है। वैसे मेरे बेटा बड़ा, तो टोपी कहाँ है आपकी जो आप लगा के गए थे? हाँ, बैग में। अच्छा चलो, अभी आपको क्या खाना है? अभी रोटी सालन जाए मेरे बेटे को कुछ नहीं अच्छा लगता, इस पर चला गया इतना देसी बच्चा मेरा है। खानदान वालों बताओ मुझे। अच्छा चलो, आप टीवी लगा लो, मैं खाना वाना बना रही हूँ, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, तो किचन के अंदर अभी ये कि आज मैंने जो है ना अरवी गोश्त भी बनाना है, तो अरवी ये रही एंड दिस इज द गोश्त, तो अरवी गोश्त की तैयारी हो रही है, साथ में जो है वो चिकन का सालन बनेगा शोरबे वाला। और अभी 12 बज रहे हैं, 1 बजे तक लड़की आएगी, तो मैं जब तक गोश्त वगैरह अपना कुक कर रही हूँ, चढ़ा रही हूँ, और वो आते ही है, तो फिर बाकी के हम सारे साथ साथ काम करते हैं, जब तक चाय वाय बनाते हैं वो भी पीते हैं। फ्रेंड्स चाय मेरी रेडी है और अभी मैं खाने लगी हूँ चाय। पापा अब्दुल्ला को कपड़े चेंज करें, अब्दुल्ला के कपड़े ये पड़े हैं, आओ अब्दुल्ला चेंज करो। अब्दुल्ला ने मना कर दिया कि अब्दुल्ला ने कपड़े चेंज नहीं करने, अब्दुल्ला कह रहा आज मैंने यही पहनना है। फैसल कह रहे पहने रहने, तो जुम्मे का दिन है, नमाज पढ़ने जाएंगे, नमाज पढ़ने। और अभी फ्रेंड्स पता है क्या, मैं पापे लेकर आ रही थी शॉप पर, पूरा सारे पापे गिर गए मुझसे, अभी ये दोबारा डालना है पैकेट में। तरफ दोस्तों इधर हम चिकन का सालन बनाने लगे हैं और इधर हम अरवी गोश्त, गोश्त मेरा बॉईल हो गया है, अरवी ये रखी है, टमाटर ये रखे हैं, चिकन ये रखी है, उनके आने का वेट हो रहा है। खैर से वो आ जाएगा, अभी तक लड़की भी नहीं आई, 1 बजने वाला, तो बस जल्दी जल्दी ये सारे काम निपटा के फिर मुझे ऑफिस का काम भी करना है, बच्चों को भी अपना नहलाना है धुलाना है, जुम्मे के लिए तैयार करना है, खुद भी काम वाम करके फिर एक ही दफ़ा नहा धो के रेडी होंगी। जी आलियान, हाउ आर यू? आलियान वेलकम टू आवर व्लॉग, इतने दिनों के बाद कैसा लग रहा है आपको व्लॉग में? अच्छा तो अभी क्या गेम खेल रहे हैं आप लोग? एक से अगर 5 आया तो हम आगे चलेंगे, तो अब्दुल्ला ने तो सारे ही कर दिए। घर में दोस्तों सफाई हो रही है, खाना वाना हम खा चुके हुए हैं, टाइम अभी हो रहा है 3:15। पहले मेरी बारी, ये मेरा खाएंगे। 5 जिसका 5 आएगा वो 1 पॉप करेगा। चलो ओके फ्रेंड्स तो मैं अभी नहा दो कि जो है फ्रेश हो गई, बस अपना जरा सा रेडी होंगी और उसके बाद हमने जरा जाना है, तो वहाँ जाएंगे, बच्चे भी रेडी वेडी हो गए हैं। ये आलियान की बेस्ट जगह, आलियान का मैट्रेस है और ये यहीं से निकलता है, यहीं पे आलियान लेटता है और उसके बाद यहाँ पे आलियान अपनी मूवी शूवी देखता है। और ये आलियान का आजकल फुल माहौल, क्यों आलियान फैसल है? कोई आया है घर पे तो अभी
वो देख रहे हैं कौन आया है, और ये रही मैं। बस मैं अभी तैयार होने लगी हूँ, फिर जाती हूँ। कल वाले ही कपड़े पहन लिए मैंने, कल रील बनाने के लिए पहने थे तो मैंने कहा यही कपड़े दोबारा पहन लेती हूँ। खाना वाना हमने अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया है, तो बस अब रेडी होते हैं। तो बस फ्रेंड्स मैं जो है ना रेडी हो रही हूँ, और ये मेबलिन की फाउंडेशन है एक्चुअली, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ये इसकी ना छोटी सी ट्यूब है, बहुत अच्छी है ये, मतलब कि यू कैन कैरी इट ईजीली, द बेस्ट वे, द बेस्ट पार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो मेकअप शेकअप मेरा हो गया है, कैसा लग रहा है ज़रा बताएं। बाल गीले हो रहे हैं, बालों को बस ड्राई करूंगी, उसके बाद बस हम जाएंगे। सो आई होप आज का वीलॉग आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।